कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन यूपी के जनपद हरदोई में एक ऐसा मामला देखने को मिला जहां एक महिला ने 9 साल पुराने रिश्ते को तार तार कर दिया, जिसने अपनी 4 साल की बेटी और पति को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। आपको बता दें कि न्याय की गुहार लगा रहे इंद्रभूषण सिंह की 2014 में राम सिंह की बेटी पूनम से शादी हुई थी। पूनम से उसे एक पुत्र भी है जिसकी उम्र 14 साल है। युवक का कहना है कि पूनम उसकी बिना मर्जी के घर में रखा जेवर लेकर एक साल पहले अपने माता पिता के साथ मायके चली गई थी। कई बार वो अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल भी गया, लेकिन उसके सास ससुर ने पूनम को विदा करने से मना कर दिया और फिर कुछ दिन बाद बिना तलाक दिए उसकी शादी दूसरे युवक से कर दी। शादी 8 मई 2014 जिला प्रतापगढ़ ग्राम विक्रमपुर में हुई थी और अच्छी तरीके से खुशहाल जिंदगी जी रहे थे हम लोग। लगभग चार साल बाद मेरी एक बच्ची जिसका नाम लक्ष्मी है और रहते थे। अचानक एक साल पूर्व का नो मेरी बीवी ने अपने जीजा और अपने बाप के साथ चुपके से चली गई, बुलाकर चुपके से चली गई, मुझे बताया भी नहीं। सर खेतों में काम कर रहे थे, चुपके से चली गई, सारा माल लेकर कपड़े इत्यादि लेकर रात के बैठे रहे। कई बार हम लोग गए, मेरी माँ भी गई, भाई भी गए, हम भी गए, किसी भी कीमत उन्होंने विदा नहीं की। हर बार धमकी थी जो करना हो कर लो, विदा नहीं करेंगे। लास्ट टाइम पता चला मुझे कि 12 तारीख को उन्होंने दूसरी जगह शादी कर दी है, कहीं भेज दिया किसी के साथ। लड़की तुम्हारी यहाँ पे तड़प रही है, तो मतलब वहाँ पे गए, देखा कि वास्तविक लड़की हमारी तड़प रही, तो हम फिर वहाँ से ले आए लड़की को। यहाँ पे कप्तान साहब के पास फरियाद लेकर आए हैं। अगर बीवी नहीं तो सर उसकी सजा तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसने कानून अपराध किया है। वही शिकायत मिलने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और इस पूरे मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसके आवेदक हैं इंद्रभूषण सिंह, ये रहने वाले हैं सिद्धपुर करमाया ग्राम के, जो बेटा गोकुल में पढ़ता है। ये कहना है कि 2014 में इनकी शादी पूनम से हुई थी और पूनम जो है एक वर्ष पूर्व अपने मायके चली गई और बिना कोई तलाक के लिए हुए पूनम के घर वालों पर आरोप लगाया है। पूनम की दूसरी शादी किसी के साथ कर दिया है। इस प्रार्थना पत्र की जांच की जा रही है, जांच करके इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। इनका एक पुत्री है करीब 4 वर्ष। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जहां जांच और कार्रवाई की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर हरदोई में इस प्रकरण को ज्योति मौर्या से जोड़कर देखा जा रहा है और लोग इस पर खूब चर्चा कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।